बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के डेटा को यूज़ करते हुए एमएस वर्ड के अंदर लेबल्स तैयार करने, मेलिंग टैब के अंदर जो ऑप्शन दिया हुआ होता है, और अलग अलग इसमें जो होंगे पर पेज पे जितने हमें बनाने उनकी सारी सेटिंग, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से किस तरह से हम एमएस वर्ड में लिस्ट बनाएंगे, यानी सोर्स जो होगा उसको किस तरह से हम लिंक करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लेबल से। तो ये सभी आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। बहुत काम का ऑप्शन है मेलिंग टैब के अंदर मेल मर्ज और लेबल्स। मेल मर्ज फर्स्ट मैंने इससे पहले भी बनाए, अपलोड किए टॉपिक, आज लेबल के हवाले से काम करेंगे। तो सबसे पहले एक्सेल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर ये डेटा मैंने बनाया हुआ है, नेम, कॉन्टैक्ट, सिटी, जिप, टोटल चार कॉलम है। जितने कॉलम आप चाहें यहाँ बना सकते हैं। मैं इन चार कॉलम को डेटा, चार कॉलम के डेटा को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लेबल के अंदर यूज़ करूँगा। तो चलिए, ये फाइल मैंने सेव एस करी हुई बुक वन के नाम से, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लेते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करने के बाद डॉक्यूमेंट कोई सा भी आप इंसर्ट कर लें, न्यू ब्लैंक। उसके बाद यहाँ पर हम मेलिंग टैब में आ जाएंगे। सबसे पहले स्टार्ट में जाएंगे, यहाँ लेबल्स दिया हुआ है, इस पर क्लिक, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ऑप्शन आएगा, लेबल ऑप्शन, और इसके अंदर यहाँ से कैटेगरी लेबल में लेबल वेंडर माइक्रोसॉफ्ट सिलेक्टेड। इसमें हमें पर पेज पे कितने लेबल डिज़ाइन करने हैं ये ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें 30 पर पेज चाहिए या लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, ये सारी सेटिंग्स मिल जाती हैं। अब फिलहाल जितना डाटा होगा उस हिसाब से जितने लेबल्स आपको तैयार करने हैं पर पेज पे, आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ से अगर लेबल वेंडर में आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ और कैटेगरीज भी मिल जाती हैं आपको, पोर्ट्रेट में बने बनाए इसमें प्रीसेट होते हैं, अगर ये वाले यूज़ करने हैं ये भी यूज़ कर सकते हैं। और स्क्रॉल कर लेंगे अगर इसको डाउन तो यहाँ पर और मज़ीद ऑप्शंस भी आपको मिल जाते हैं, ये इनमें से आप यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एवरी यूज़ लेटर, ये वाली कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे तो इनके सारे प्रोडक्ट नंबर जो होंगे अलग अलग चेंज मिलेंगे आपको। यहाँ से हम ये वाला सिलेक्ट करते हैं अगर, तो यहाँ पर हमें इस तरह के ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। अब यूएस के हिसाब से जो यहाँ पर नंबर्स होते हैं वो इसमें आपको मिल जाएंगे, और यहाँ से आप स्क्रॉल कर सकते हैं बने बनाए, और इसमें सेटिंग्स दी हुई हैं सारी, मल्टी यूज़ लेबल कोड के हिसाब से इसमें प्रीसेट सेव हुए हैं। तो यहाँ से अगर कोई कोड आपको पता है तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे किसी भी एक आईडी पे और नंबर प्रेस करेंगे तो इस तरह से उस आईडी से शुरू होने वाले सारे जो नेम है वो आ जाएंगे। तो यहाँ से हम इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ, और यहाँ पर दिया हुआ है 55360 ईजी पील एड्रेस लेबल्स। ये जो मैंने कॉलम बनाए हुए हैं एक्सेल के अंदर शीट में, उस हिसाब से मुझे ज़्यादा सूटेबल लग रहा है ये, कि इसको मैं यूज़ करता हूँ तो ये वाला मैं यूज़ कर रहा हूँ। बाकी आप अपने हिसाब से जो कैटेगरीज होंगी, जितने कॉलम्स होंगे वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं लेबल वेंडर में। तो फिलहाल अभी मैंने ये वाली आईडी सिलेक्ट करी, देख लें, ईजी पील एड्रेस लेबल, इसको मैं जाकर ओके कर रहा हूँ। ओके कर लिया तो एक टेबल का जो स्टार्ट बना हुआ आता है जिससे हम टेबल मॉडिफाई करते हैं, मूव करते हैं, तो ये आपको बना हुआ मिलेगा ओके करने के बाद। फिलहाल अभी कोई कॉलम और रो शो नहीं हो रहे, किसी किस्म का कोई डेटा अभी नज़र नहीं आ रहा। डेटा इसलिए नहीं नज़र आ रहा, सिर्फ अभी हमने लेबल का जो एक लेआउट है वो ओके किया है। अब हम उसके अंदर क्या डेटा चाह रहे हैं लाना वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमने टाइप किया हुआ है लिस्ट और सेव किया हुआ है एक्सेल एक्स फॉर्मेट में। अब सबसे पहले उसको ऑन किया जाता है मेलिंग को यूज़ करते हुए। मेल मर्ज आप यूज़ कर रहे हैं या लेबल्स यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले लिस्ट आपको सिलेक्ट करनी होती है। जब लिस्ट सिलेक्ट होती है तो ये सारे ऑप्शन आपके वर्किंग में नज़र आएंगे आपको। अभी देखें हाईलाइट नहीं हो रहे हैं क्योंकि ये कोई अभी यहाँ पर डेटा मौजूद नहीं है। तो डेटा ऑन किस तरह से होगा, सिलेक्ट रिसेप्शन में आ जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर यूज़ एन एक्सेक्स स्ट्रिंग लिस्ट या टाइप न्यू में डायरेक्ट आप इसमें आप कर सकते हैं टाइप। फिलहाल हमारी एक्सेल में बनी हुई है तो यूज़ एन एक्सेक्स स्ट्रिंग लिस्ट, और यहाँ पर हम आ जाएंगे डेस्कटॉप, और यहाँ से बुक वन के नाम से डेस्कटॉप पे मैंने सेव किया हुआ है। यहाँ से इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और ओके।
अब शीट वन ही है उसमें, उस वर्क बुक में, और शीट वन पे ही हमारा डेटा है। अगर आपने अलग अलग शीट बनाई हुई होंगी वर्क बुक की, तो कौन सी शीट से डेटा को आप लाना चाह रहे हैं उस शीट को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। अब देखें यहाँ फिलहाल अभी कुछ शो नहीं हो रहा, लिस्ट हमने सिलेक्ट करी है, लिस्ट सिलेक्ट करने का दिया ऑप्शन आपको ऑन हुए हुए मिल जाएंगे इस तरह। और अभी यहाँ जो कैटेगरी हमें कॉलम की लानी है वो इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट मर्ज फील्ड से जाएंगे फिलहाल। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि नाम अगर मैं डायरेक्ट इसी तरह से पुट करता हूँ तो वो डायरेक्ट डायरेक्ट नेम लिखा हुआ आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, यानी जो जो कॉलम की डिटेल है वो आ जाएगी। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हेडिंग के साथ लिखा हुआ है, तो उसके लिए हम इस तरह भी कर सकते हैं कि यहाँ डायरेक्ट नेम दे दें। फर्स्ट यानी एक सेल में आपको ये काम करना पड़ेगा, कॉलन डाउन एरो यूज़ करेंगे। सेकंड जो है वो कॉन्टेक्ट है, फिर इंटर, उसके बाद सिटी, फिर इंटर, उसके बाद जिप। अब ये हेडिंग जो मैंने एक टाइप करी है फर्स्ट सेल में, तो यही मैं चाह रहा हूँ कि सभी सेल में नज़र आए पहले हमें। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ होता है अपडेट लेबल, ऐसा ऑप्शन जो आप लेबल यूज़ करते हुए एक सेल में लिख रहे हैं और चाह रहे हैं कि हर सेल में मिल जाए आपको, तो उसको लिखने के बाद यहाँ डायरेक्ट आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अपडेट लेबल। देखें जैसे ही अपडेट लेबल क्लिक किया, एक जो सेल में हमने लिखा हुआ था हर सेल में वही हेडिंग्स आपको मिल जाएंगी। ये फ़ायदा होता है इस ऑप्शन का, बार बार हर दफ़ा जाके वो काम आपको करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम लेबल ऑप्शन को यूज़ करते हैं। अब ये काम हो गया। अब डेटा जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का है वो इसमें हमें शो करना है, तो इसके लिए ऐड कराएंगे हम मेलिंग इंसर्ट मर्ज फील्ड। यहाँ दिया हुआ नेम, अब देखें फर्स्ट नेम अभी शो नहीं हो रहा, हेडिंग्स आ रही है शो, मैं बताऊँगा किस तरह करेंगे। इंटर, इंटर नहीं करेंगे क्योंकि नेक्स्ट उसमें चला जाएगा टेक्स्ट, डाउन एरो यूज़ करें और फिर नेक्स्ट यहाँ से आ जाएंगे कॉन्टैक्ट। स्पेस देनी है तो इस तरह स्पेस दे सकते हैं, उसके बाद नेक्स्ट सिटी, फिर नीचे कर्सर क्लिक, माउस से क्लिक कर लें या डाउन एरो एक ही बात है, यहाँ से फिर कर दें जिप। अब देखें जिस तरह हमने हेडिंग्स टाइप की थी और अपडेट लेबल किया था, तो हर सेल में यानी जितने पेज पे ये लेबल्स थे सब जगह वो हेडिंग्स आ गई थी। अब फर्स्ट हमने जो डिटेल शो करी है डेटा की अपने, इस तरह से हमें हर सेल में ये डेटा शो करना है, नेम कॉन्टेक्ट सिटी, और बारी बारी अलग अलग हर एम्प्लॉय के साथ, ऐसा नहीं है कि एक ही डेटा रिपीट होता रहे हर। तो इसके लिए अब हम यहाँ पे अगेन जाएंगे और कर देंगे अपडेट लेबल्स। देखें जैसे ही अपडेट लेबल किया है तो वो सारी हेडिंग्स जो हमने एक सेल में दी थी वो हर सेल में आ गई। लेकिन अब ये देखने के लिए कि हर डेटा सेपरेटली आ रहा है या एक ही डेटा रिपीट हो रहा है, तो इसके लिए हम चेक करते हैं यहाँ पर दिया हुआ है प्रीव्यू रिज़ल्ट। जैसे ही प्रीव्यू रिज़ल्ट क्लिक करेंगे, सारा का सारा डेटा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लेबल की शक्ल के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आ जाएगा आपके पास सेपरेट सेपरेट, देखें, और हर डेटा अलग अलग मिलेगा आपको इस तरह से। अब फर्स्ट चेक कर लेते हैं यहाँ पर स्टीव्स, बिल्कुल ठीक है, और लास्ट देख लेते हैं यहाँ पर, इस तरह हमारा कंफर्म हो जाएगा कहाँ तक ये डेटा है या आ रहा है हमारे पास। फरहान सबसे लास्ट जो रिकॉर्ड है वो इनका आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, देख लेते हैं हम, स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये देखें सबसे लास्ट में हमारे पास फरहान की डिटेल आ रही है, सारी जो इन्फॉर्मेशन है। तो ये इस तरह से काम करेगा, ऑटोमेटिकली सब होता है, इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ डेटा टाइप करेंगे, लिस्ट आपने बनानी है अपने रिकॉर्ड की। एक्सेल ज़्यादातर यूज़ किया जाता है डेटाबेस सेव करने के लिए, स्टोर करने के लिए ऑफिसेस वगैरह के अंदर, तो बस वो रिकॉर्ड आपको टाइप करके बना के सेव करना है। और MS Word के अंदर जो मैंने स्टेप्स बताएं, इस तरह से ये काम करके आसानी से ये सारे इजीली आप तैयार कर सकते हैं एक साथ। और इसके बाद इसकी जो लाइंस हैं या बॉर्डर्स हैं इसको सही करना है या शो करना है, तो इसके लिए होम मेन्यू में यहाँ पे आ जाएंगे,
यहाँ दिया हुआ है ऑल बॉर्डर, तो इस तरह से सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं इसको आप। और इसी तरह अगर आप चाह रहे हैं कि ऊपर की कोई ऐसी हेडिंग या मेन टाइटल वगैरह आपने कोई दिया हुआ है उसको बोल्ड वगैरह करना है, फॉर्मेट करना है, तो आप उसको इस तरह से बोल्ड कर लें, इनक्रीज कर लें, सेंटर करना है अलाइन सेंटर कर लें, ऑल को करना है तो ऑल सिलेक्ट, क्लिक। क्लिक के बाद यहां से मेलिंग अपडेट, देखें ऑटोमेटिक सारी सेटिंग जो फॉर्मेट आपने एक में चेंज किया है अपडेट लेवल से, ये फ़ायदा होगा है सारे के सारे साथ वो चेंज हो जाएंगे आपके। तो ये आपको मैनुअली बनाना नहीं पड़ेगा, ये ऑप्शन इसीलिए लेवल का यूज़ किया जाता है कि जितना सारा डेटा है वो एक साथ आप इस तरह से उसको कुछ मिनटों में लेवल्स की शक्ल में ला सकते हैं। तो किस तरह से होगा सब मैंने स्टेप्स के अंदर बता दी, अगर कोई ऐसी बात जो इसमें नहीं बताई और आप देखना चाह रहे हैं, कुछ नीड है आपकी, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, और सोशल मीडिया के ऊपर भी इसको शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर फर्स्ट इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।